तो गाइज बालों की फ्रिज फ्री टेक्सचर और वॉल्यूमाइज्ड हेयर के लिए आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है डेली अपने बालों को धोना। जब भी आप वॉश करते हैं 2 या 3 दिन के गैप में आप शैम्पू यूज़ करें, और शैम्पू यूज़ जो भी करें ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करें या लोकल, उतना डैमेज करता नहीं है क्योंकि सब में एक ही प्रॉपर्टीज़ रहती है कुछ ना कुछ, जिस वजह से बालों का ये हाल होता है। और हाँ, उसके बाद मेंटेन करने के लिए आपको 2 से 3 बूंद मस्टर्ड ऑयल, हाँ जितना हो सके उतना प्रिमिटिव चीज़ों को यूज़ करें अपने बालों पे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी चीज़ें केमिकल युक्त बन रही हैं वो आपके बालों पर डैमेज करती हैं, इसलिए आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें। और आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सिनेमैटिक अपने बालों का। तो गाइज़ मेरे घर के जस्ट पीछे में हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली, ऐसी हरियाली आपको शहर पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ अवॉइड करनी पड़ती हैं, वो है मलमूत्र। ये सही सुना आपने, कभी भी कहीं भी आपको पिचकारी दिख जाएगी और इस वजह से आपको थोड़ा झिझक महसूस होगा इन जगहों पे चलने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम इट, द ब्यूटी ऑफ विलेज इज लाइक डिफाइंड बाई दिस ग्रीनरी सीन। और आगे दिखाता हूँ आपको जो तालाब अभी अभी खुदाया है, नए तालाब की खुदाई जेसीबी से, रुको आपको दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। ये जितना एरिया आप देख रहे हो ये पूरा एरिया मेरा बिल्कुल भी नहीं है, तो शक में मत रहना कि काफी ज्यादा अमीर हूँ मैं। बहुत ज्यादा लोग शक में रहते हैं कि इतना रईस कैसे है ये, बट पैदाइशी गरीब। क्योंकि हम खानदानी गरीब है ना, तो पुश्ता गरीब, ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे, शुद्ध गरीब है। तो जिस पल का आपको इंतजार करा रहा था मैं, वो आ गया है। ये देखो गांव का स्विमिंग पूल है गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक है। अब थोड़ा सिनेमैटिक्स देखिए इसका। जो विशाल पेड़ आपको मैं दिखाया वो काफी साल पुराना है, आई डोंट नो क्योंकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लोगों का कहना है कि काफी प्राचीन है, मेरे को लगता है 100-150 साल हो ही गए होंगे। अगर काटने के लिए कोई बोल देता तो मैं नहीं काटता, क्योंकि उसको बेच भी नहीं सकता मैं। प्रकृति के गोद में ही रहने दीजिए उसे फिलहाल, अभी यूकेलिप्टस काट के जिंदा रहूंगा मैं। आगे देखिए, मेरे घर का ये तालाब है, ये मेरे फैमिली से एसोसिएट है, और मेरे फैमिली में कभी भी किसी का जब डेथ होता है तो इधर ही आसपास कहीं होता है जलाने की क्रिया, तो यही है मौत स्थल, लगता है मुझे यहीं जलाया जाएगा। ये काफ़ी डार्क रियलिटी हो गया फिलहाल, इन सब चीज़ों से दूर पॉजिटिविटी की ओर देखो। ये है मेरे फैमिली का तालाब, ये तालाब ऐसा तालाब है यहाँ मैं नहाता था। अभी काफी अच्छा हवा आ रहा है और ये हवा में मैं फिलहाल आ चुका हूँ यहाँ मरण स्थल तालाब के पास, और यहाँ काफी अच्छा सीन है। लेट मी शो यू, यहाँ नहाने का फुल व्यवस्था है। जब मैं छोटा था तो यही चड्डी पहन के आता था और डेली नहाता था। कभी कभार ऐसा होता था कि घर में जब पता चलता तो सुटाई भी होता है, मेरी माँ मुझे मारती थी रस्सी में बांध कर रात में, और बरसात का मौसम चल रहा था, ये डार्क रियलिटी बस आपको पता है। तो मैं गांव के रोड साइड आ चुका हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ अटल चौक है, जिसको बोला जाता है लवर चौक, क्योंकि स्कूल का जो दौर होता है उसमें इंसान लवर ही होता है। और ये ऐसा साइड है कि तीनों साइड से, इस वाले साइड पे ये दोनों डायरेक्शन से आती हैं लड़कियां और लड़के, इसलिए इसे कहा जाता है लवर चौक। अगर आपको लाइन मारने का मन करे तो यहाँ जरूर प्रस्थान करें। लेट मी शो यू, ये अभी फिलहाल संडे का दिन है तो आज थोड़ा टाइम मिला मेरे को, और बाकी टाइम खाली ही रहता हूँ, बट शो ऑफ के लिए बोल दिया संडे का टाइम है। और यहाँ मेरा काम धंधा सब बंद होता हुआ फिलहाल, इसके बाद जब कटिंग होगा कुछ भी जहाँ से शुरुआत होगा उससे पहले मेरे को वेट करना पड़ेगा इस मॉनसून के जाने का, क्योंकि अभी धान वगैरह कटिंग कंप्लीट होगा तभी स्टार्ट होगा काम। तो लेट मी शो यू,
पार्ट अहेड। तो गाइस मेरा दोस्त आया है दीपक लाल। रोम रोम भाइयों। दीपक राज किरण को लेके जाएगा अभी स्कूल साइड, क्योंकि लठबाजी करने के लिए हम लोग एक्सपर्ट है। हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलेगी क्योंकि हम अभी भी बैचलर हैं। अगर शादीशुदा रहते तो ये मिलता ही नहीं मेरे को, बोलता कि जा रहा हूँ बीवी के लिए अंडरवियर लेने।